सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं इमली की चटनी। और हम अभी शुरू के, इसलिए हमें चाहिए इमली का पल्क, पिसा हुआ पुदीना। आप ऐसे भी पुदीना डाल सकते हैं। ये काला नमक, काली मिर्च और ये नमक। और हमने इसके साथ थोड़ा सा पिसा पिसा हुआ वो रेड चिली वो भी डालना है। तो पहले हम इसमें वो पिसा हुआ हम ये चम्मच से डाल देंगे। ये आप क्या डाल रहे हो? इमली का पल्क है। ये इमली का पल्क है। हमने इमली का पल्प डाले। हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च वो पिसा हुआ। इसमें डालेंगे पिसा हुआ पुदीना। आप ऐसे पुदीना डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च। और इसमें थोड़ा सा काला नमक में थोड़ा सा डालेंगे। और इसमें थोड़ा सा जैसे ही नमक का डालना है। और हमने इसको फिर मिक्स करना है। इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिएगा। देखिए कितना अच्छे से हमने मिक्स कर दिया ये अभी इसको। इसमें आप शहद भी डाल सकते हैं। अगर शहद डाले तो अगर आपको बहुत और अगर आपको बहुत मिर्च पसंद नहीं है या बहुत खट्टा पसंद नहीं है तो आप इसमें शहद भी डाल सकते हैं।